सीजन 2022-23 का जो शेड्यूल है सारा मैचेस का, बॉयज एंड गर्ल्स, मेंस एंड वुमेन्स, सारे का मैच का डेट आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा शेड्यूल जो आया है, जो मेरे पास है यहाँ पे, उसका सारा डेट आपको बताऊंगा कि कब किसका किसका मैच होने वाला है। ठीक है, ये मुझे मिल गया था कुछ दिन पहले ही, मुझे मिल गया था, बट आई वॉज नॉट हियर, आई वॉज आउट ऑफ स्टेट, मैं कुछ काम से गया हुआ था बाहर। सो हेलो क्रिकेटर्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो दिस इज महेश फ्रॉम J05। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, यहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस मिलता है, एंड आई प्रॉमिस आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो जो है सीजन का पूरा शेड्यूल आ चुका है, स्टार्ट डेट से लेकर इन डेट तक है ना, कब कौन कौन सा मैचेस है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में पहले करके आ जाता है, बट आई वॉज नॉट हियर, जैसे कि मैंने बताया आई वॉज नॉट हियर, आई वॉज आउट ऑफ स्टेट। ठीक है, तो कल ही मैं वापस आया, और जैसे कि सितंबर का महीना चल रहा है लेकिन बारिश अभी भी हो रही है, और अभी काफ़ी सारे मैचेस हमारे कैंसिल हुए हैं, मतलब मैच स्टार्ट हो जा रहा है, फर्स्ट इनिंग हो जा रहा है, उसके बाद फिर बारिश हो जा रहा है, तो बहुत दिक्कत फेस करना पड़ रहा है सारे क्रिकेटर्स को जमशेदपुर झारखंड में। तो जैसे कि सितंबर का महीना चल रहा है लेकिन बारिश अभी भी हो ही रही है, तो आज मैं तो ग्राउंड नहीं जा पाया, तो इसलिए मैं ये वीडियो घर से ही शूट कर रहा हूँ। तो और ये वीडियो घर से भी मतलब कहीं से भी शूट करके बना सकते थे, जरूरी नहीं है कि इसमें ग्राउंड जाना जरूरी था। तो जो भी सारा मैचेस का डेट आपको टूर्नामेंट बताऊंगा, और तब तक आप लोग कमेंट में जरूर देगा से कोई टूर्नामेंट आपने खेला है या नहीं, या फिर इसमें जितना भी कोई टूर्नामेंट है वो आप टारगेट कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट टारगेट है, आप कौन से एज ग्रुप में क्रिकेट खेल रहे हो, क्या लेवल अभी तक खेला है, क्या टारगेट है आपका, आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए क्रिकेट से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने का। ठीक है, और ये जो टूर्नामेंट है चल रहा है, और यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे भी लगा दिया है, ये जो डेट है, शेड्यूल है, चार्ट है, ये मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, आप देख लेना, आप भी देखते रहो और मैं पढ़ के ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। दिलीप ट्रॉफी मल्टी डेज, ठीक है, तो ये मेन सीनियर का टूर्नामेंट है, ये चल रहा है 8 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक। ठीक है, तो ये अभी चल ही रहा है, 25 सितंबर को उसका फाइनल होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं ईरानी कप, ये भी मल्टी डे है, मेन सीनियर 1 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर तक। ठीक है, 1 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, 5 को खत्म होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 मेंस सीनियर, इसी से आईपीएल का सिलेक्शन होता है, इसमें परफॉर्मेंस करने से आईपीएल में सिलेक्शन होता है। ये स्टार्ट होगा 11 अक्टूबर 2022 से और खत्म होगा 5 नवंबर 2022। फिर आता है विजय हजारे ट्रॉफी वनडे मेंस सीनियर, ये स्टार्ट होगा 12 नवंबर को और खत्म होगा 2 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद रणजी ट्रॉफी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा, प्रोफेशनल क्रिकेटर हो तो रणजी ट्रॉफी कितना बड़ा टूर्नामेंट होता है मेंस लोग के लिए। ठीक है, मेंस क्रिकेटर्स लेकिन मेंस सीनियर रणजी ट्रॉफी स्टार्ट होगी 13 दिसंबर 2022 और खत्म होगा 22 फरवरी 2023। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेंस अंडर 25 स्टेट ए ग्रुप वनडे। ठीक है, तो मेंस का जो होगा अंडर 25 ये होगा स्टार्ट 20 नवंबर को स्टार्ट होगा और खत्म होगा 10 दिसंबर 2022। ठीक है, उसके बाद सी के नायडू ट्रॉफी मल्टी डे है, टेस्ट मैच मेंस अंडर 25 स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2023। देख रहे हो, 1 जनवरी को स्टार्ट होगा, मतलब क्रिकेटर लोग के लिए कोई न्यू ईयर नहीं होता है, वो क्रिकेट मैच है तो खेलना ही होगा। 1 जनवरी 2023 को लेके होगा 15 मार्च 2023 तक। ठीक, उसके बाद आते हैं वीनू मांकड़ ट्रॉफी वनडे। ठीक है, ये वनडे टूर्नामेंट होगा जो कि अभी अभी ट्रायल्स वगैरह हुआ है, टीम बनी है झारखंड की, मेंस अंडर 19 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और खत्म होगा 23 अक्टूबर को। ठीक है, ये हो गया मेंस वनडे विनू मकंड, ये अंडर 19 एज ग्रुप होता है, अभी अभी टीम बनी, जैसे कि मैंने बताया काफी सारे प्लेयर्स मेरे सराउंडिंग के सिलेक्शन हुए जो अंडर 19 कैटेगरी के थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं कूच बिहार ट्रॉफी मल्टी डेज, ये भी अंडर 19 बॉयज है, अंडर 19 ये जो है 5 नवंबर पर स्टार्ट होगा और आपका खत्म होगा 3 जनवरी 2023। तो ये जो वीनू मांकड़ और कुछ बिहार होता है, ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म होता है अंडर 19 क्रिकेटर्स के लिए, इसमें परफॉर्मेंस करने से सिलेक्शन होता है, अंडर 19 टीम जो जाती है वर्ल्ड कप खेलने या फिर सीरीज वगैरह जो होता है अंडर 19 का, वो यही दो टूर्नामेंट से सिलेक्शन होता है मेनली। ठीक है, उसके बाद आता है विजय मर्चेंट मल्टी डे, ये बॉयज लोग का है, मतलब अंडर 16 का, ये सबसे छोटा एज ग्रुप क्रिकेट जो होता है इंडिया में फिलहाल स्टेट का, मेंस अंडर 16। ओके, ये स्टार्ट होगा 1 दिसंबर 2022 को स्टार्ट होगा और खत्म होगा 20th Jan 2023। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं वुमेन्स का सीनियर वुमेन्स T20 ट्रॉफी, ये स्टार्ट होगा 11 अक्टूबर को
ग्यारह अक्टूबर को स्टार्ट होगा और 5 नवंबर को खत्म हो जाएगा 2022 में, ठीक है। सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ये स्टार्ट होगा आपका 8 नवंबर 2022 और खत्म होगा 16 नवंबर 2022, ठीक है। उसके बाद आते हैं सीनियर वुमेन्स T20 चैलेंजर ट्रॉफी, ये आपका स्टार्ट होगा 20 नवंबर को और खत्म होगा 26 नवंबर, ठीक है। उसके बाद सीनियर वुमेन्स वनडे ट्रॉफी, ये आपका स्टार्ट होगा 18 जनवरी 2023 और खत्म होगा 7 फरवरी 2023 को, ठीक है। सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल ये होगा आपका स्टार्ट 12 फरवरी को और खत्म हो जाएगा 11 फरवरी को, ठीक है। वुमेन्स अंडर 19 ट्रॉफी, ये गर्ल्स लोग का है और वुमेन्स में आपको जैसे कि मेंस में क्या होता है, बॉयज में कि अंडर 16 होता है सबसे मिनिमम एज ग्रुप स्टेट लेवल का, ठीक है, बीसीसीआई लेवल का जो टूर्नामेंट मैं आपको बता रहा हूँ, बट वुमेन्स में क्या होता है अंडर 19 होता है मिनिमम एज, ठीक है। तो वुमेन्स अंडर 19 T20 जो ट्रॉफी होगा 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक होगा, ठीक है। और वुमेन्स अंडर 19 में T20 होता है बट मेंस में T20 नहीं होता, ओनली वन डे एंड डेज, ठीक है। वुमेन्स अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी ये स्टार्ट होगा 1 नवंबर को और खत्म होगा 7 नवंबर को। वुमेन्स अंडर 19 वनडे ट्रॉफी, ठीक है, वुमेन्स अंडर 19 का जो 7 दिसंबर को स्टार्ट होगा और खत्म होगा 23 दिसंबर को, ठीक है। अब आते हैं लास्ट, ये जो लास्ट है वीजी ट्रॉफी। वीजी ट्रॉफी जो है वनडे होता है, वनडे क्रिकेट होता है, 50 ओवर्स का होता है और ये इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट है, ठीक है ना। जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया ये सारा क्या था, ये एज ग्रुप क्रिकेट था या फिर जो भी था, कि इसमें मतलब उसमें कुछ मतलब लेना देना नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट कौन सा क्लास में पढ़ रहा है उसको मतलब नहीं है, अगर क्रिकेटर है अच्छा खेल रहा है अपना एज ग्रुप में सिलेक्शन हो रहा दैट्स इट। बट ये जो वीजी ट्रॉफी है ये मैं आपको बता दूं, ये इंटर यूनिवर्सिटी होता है, इसको खेलने के लिए बता दो क्या करना पड़ेगा, इसको जो खेलना है आपको आपका क्लास होना चाहिए 12+, आप कोई भी क्लास में हो मतलब कोई भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, तो तभी आप खेल पाओगे इसमें, पार्टिसिपेट कर पाओगे इसमें, अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद सिलेक्शन होता है प्लेयर लोग का वीजी ट्रॉफी, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल का क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, ठीक है ना, तो ये भी करवाते हैं बीसीसीआई, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है सीनियर्स क्रिकेटर लोगों को जिनका एज ग्रुप खत्म हो चुका है और मतलब पढ़ाई में भी अच्छे, पढ़ाई भी करे और क्रिकेट में भी बहुत अच्छे हैं, तो वो लोग के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है वीजी ट्रॉफी, ठीक है ना। आप श्रीयश गोपाल को जान रहे हो, ये सारे क्रिकेटर्स भी इसी से आए, वीजी ट्रॉफी वगैरह से सिलेक्शन हुआ है उन लोग का, तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ये स्टार्ट होगा 10 मार्च को और खत्म हो जाएगा 16 मार्च को, ठीक है। तो जैसा कि देखा आपने, मैंने सारा कुछ आपको जो डेट शेड्यूल था सारा कुछ मैंने आपको पढ़ के बताया, ठीक है। तो ये डेट वगैरह आ गया है, तो आप अभी कौन सा एज ग्रुप में क्रिकेट खेल रहे हो, इसमें से आपका किसी में सिलेक्शन हुआ है या फिर आपका क्या टारगेट, इतना सारा टूर्नामेंट में कौन सा टारगेट है आपका, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। सो जैसे कि देखा आपने इस वीडियो में, मैंने आपको सारा कुछ डेट पढ़ के एक्सप्लेन किया जो शेड्यूल मेरे पास है, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना क्रिकेट से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया, आप वहां जाकर मुझे डायरेक्टली DM करना, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट देयर, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और मेरे चैनल पे क्रिकेट से रिलेटेड जैसे कि मैंने पहले बताया कि रेगुलरली वीडियोस मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि अभी तो सितंबर का महीना चल रहा है बट बारिश रेगुलर हो जा रहा है, तो जैसे कि मैं अपना पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो मुझे तो बहुत ही इरिटेटिंग लगता है कि जब जैसे कि जून जुलाई अगस्त में बारिश होना चाहिए तो हुआ नहीं और अभी हो रहा है, तो क्या और ऐसे क्रिकेटर्स लोगों को बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, प्रैक्टिस मिस हो जा रहे हैं, मैचेस मिस हो जा रहे हैं, तो बहुत इरिटेटिंग लगता है। तो आपको आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर जैसे कि अभी बारिश हो जा रहा है सीजन के टाइम में, तो आपको क्या लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके लिए तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि बारिश होती नेचुरली हो रहा है, वो तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, बट क्या है कि अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे जैसे कि मैंने बताया, तो क्या है कि सेम समय जाएगा तो थोड़ा दुख बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।